से भी रिश्ता तोड़ लिया, कुरान को हमने छोड़ दिया, सुन्नत से भी रिश्ता तोड़ लिया। इस्लाम से निस्बत हमको नहीं, इस तौर से हम बेनूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं हैं, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओएसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ उस मस्जिद में, आओ आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज्जम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर के ये जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है ऐवानों में, बातिलों के सामने, जालिमों के सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मजलिस को अपनाइए, आप मजलिस को मजबूत करिए कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। नहीं खाली मार मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं हैं, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है।